हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी के लेट्स ट्राई रीड पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक की रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको लीगल प्रोसेसेस के ऊपर मैं पहले थ्योरी करवाऊंगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा अन अकेडमी के बारे में बताया था। मैं नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं लीगल प्रोसेस के ऊपर मैं आपको पहले इसके अंदर पहले थ्योरी पार्ट करवाऊंगा मैं, और फिर इसके अंदर मैं कुछ एमसीक्यूज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर दोस्तों स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। तो इसका ये है दोस्तों कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। तो इस पेंडेमिक के दौर में दोस्तों, इस पेंडेमिक के टाइम पे आप जो है घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते कंफर्टेबली जो है आप ये बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है। तो दोस्तों ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के आप कभी भी यहाँ पर लर्निंग अपनी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब चाहें तब आप यहाँ पर आके अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लैंग्वेज की प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पर आप अपनी जो है प्रेफरेंस दे ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए भी दोस्तों यहाँ पे क्विजेस की सुविधा है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपने नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप वीडियोस को जो है डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ताकि आप उनको मल्टीपल टाइम ऑफलाइन भी देख सको। यहाँ पे दोस्तों आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल क्लासेस होती है वो पूरी लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों इंटरेक्टिव पोल की सुविधा है। पर्सनली मेरे को ये सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेटर के सामने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जिसके चार ऑप्शन हैं या पांच ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्लिक करना रहेगा, और जैसे आप ऑप्शन को क्लिक करते हैं, रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप इनसे जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM, तो दोस्तों आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसका ना ये है दोस्तों कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 4,500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 11,250 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRM, मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको 30,000 नहीं देना, यह आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ की बात करूँ तो 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर देते हैं तो ये भी दोस्तों हो जाता है 27,000 रुपीज़। तो आपने ये देखा दोस्तों कि 12 मंथ के चार्जेस में 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि मतलब आप 13 मंथ्स के लिए पे करेंगे लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि दोस्तों अब से अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो दोस्तों 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होता है। तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग से स्किप करने लग जाए एग्ज़ाम के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रीम ब्रांच रेडियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है,
या मेडिसिन है, गाइनी ऑप्स है, तो दोस्तों इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अप टू डेट रह सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम, कोई आपका सब्जेक्ट वीक रह गया, आप उसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, लेकिन एज अ डॉक्टर हमें जो है सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट आपका, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक रह आता है, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम के बाद भी आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि जैसे अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, दोस्तों अपने अंदर ये बिलीव लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो बिलीव है दोस्तों, ये आपको आपके मंजिल के करीब और ज़्यादा लेके आता है, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आपके अंदर बैठ जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इंक्वेस्ट होता है दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ सुसाइड, होमिसाइड, रैश या फिर नेग्लिजेंट एक्ट, एक्सीडेंट, सस्पिशियस अननेचुरल डेथ। तो दोस्तों जब किसी की डेथ होती है, चाहे उसने सुसाइड किया हो, होमिसाइड हो, या फिर नेग्लिजेंट एक्ट हुआ हो, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर अननेचुरल डेथ हुआ, तो दोस्तों उस केस में जो तहकीकात होती है उसको बोला जाता है इंक्वेस्ट। इसके टाइप होते हैं दोस्तों, पहला टाइप है पुलिस इंक्वेस्ट, जो कि दोस्तों 174 CRPC के तहत आता है। ये क्या होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन टाइप इन इंडिया, तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है इंडिया में, यूजली बाई सब इंस्पेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कॉन्स्टेबल। तो दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल जो है काफ़ी, जो मिनिमम रैंक है जो इंक्वेस्ट कर सकता है, इसके नीचे की रैंक वाले पुलिस ऑफिसर जो है इंक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यूजुअली सब इंस्पेक्टर जो रैंक होती है वो पुलिस इंक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या है दोस्तों, 176 CRPC के अंदर आता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे कि दोस्तों एग्जीमिशन हो गया, जैसे कि डेड बॉडी को उनके ग्रेवयार्ड से बाहर निकालना है, एंड डेट विद इन 7 years ऑफ मैरिज, शादी के 7 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट डेथ इन जो है पुलिस कस्टडी एंड पुलिस फायरिंग। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, तो दोस्तों वो एग्जीमिशन एंड 7 years से पहले अगर डेथ हुई तो वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर पुलिस की कस्टडी में अगर किसी की डेथ हुई है या पुलिस की फायरिंग के थ्रू डेथ हुई है, तो दोस्तों वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है इंक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आता है सेक्शन 176 CRPC के तहत। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कोरोनल इंक्वेस्ट। तो कोरोनल इंक्वेस्ट अब जो है प्रैक्टिस नहीं की जाती इंडिया में, लेकिन पहले के टाइम पे मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कोरोनल्स होते थे। मेडिकल एग्जामिनर्स सिस्टम, तो ये भी अब इंडिया में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, दो टाइप के होते हैं दोस्तों, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। दो टाइप के कोर्ट होते हैं दोस्तों, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया आर फोर टाइप, चार टाइप के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन या फिर जिसको एडिशनल सेशन भी बोलते हैं, या फिर सेशन कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट जुडिशियली ट्रिब्यूनल ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ी जो कोर्ट है हमारी वो है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट उससे नीचे वाली होती है, हाईएस्ट ट्रिब्यूनल ऑफ स्टेट, स्टेट की सबसे बड़ी होती है। फिर आते हैं दोस्तों एडिशनल सेशन, या लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इट कैन पास एनी सेंटेंस बट डेथ सेंटेंस पास बाई इट मस्ट बी कन्फर्म बाई हाई कोर्ट। एडिशनल सेशन कोर्ट जो होती है दोस्तों, एडिशनल सेशन कोर्ट जो होती है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट की हेड होती है, लेकिन इसके ये सारे पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन जो इसका डेथ सेंटेंस जो पास किया होगा उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। अ लोअर डिवीजन ऑफ द सेशन कोर्ट कॉल्ड असिस्टेंट सेशन कोर्ट, इसके नीचे की जो कोर्ट होती है वो एडिशनल सेशन कोर्ट होती है, विच कैन पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years एंड अनलिमिटेड फाइन। तो दोस्तों असिस्टेंट सेशन कोर्ट क्या कर सकती है, वो जो है इम्प्रिजमेंट
दे सकती है 10 साल तक की, या फिर वो अनलिमिटेड फाइन भी दे सकती है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट आर थ्री टाइप्स। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट दोस्तों तीन टाइप की होती हैं, चीफ जुडिशियल, फर्स्ट क्लास जुडिशियल एंड सेकंड क्लास जुडिशियल। तो चीफ जुडिशियल होता है दोस्तों जो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन फाइन जो है अनलिमिटेड लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल होते हैं दोस्तों वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं, और जो फाइन होते हैं वो 10,000 तक की फाइन लगा सकते हैं। सेकेंड क्लास के जो जुडिशियल्स होते हैं दोस्तों वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन और जो फाइन होता है दोस्तों 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। एनी सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट मे बी एनहांस और डिक्रीज बाय अ हाई कोर्ट। इससे जो ऊपर की जो हायर जो कोर्ट होगी, जैसे मान लीजिए ये जो एडिशनल सेशन कोर्ट है, अगर इसने भी कुछ दिया है तो जो हाई कोर्ट है वो इसको जो है घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। और हाई कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस सजा को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चार टाइप की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और चौथा मजिस्ट्रेट कोर्ट, चार टाइप की कोर्ट होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जुवेनाइल कोर्ट की। तो जुवेनाइल इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो दोस्तों एक स्पेशल कोर्ट है, यूजली प्रिसाइड बाई अ फर्स्ट क्लास वुमेन मजिस्ट्रेट, ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड बाई जुवेनाइल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो दोस्तों 18 साल से कम के जिन लोगों ने क्राइम किया होगा तो वो जुवेनाइल कहलाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर उनका केस चलता है। नो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर जुवेनाइल कमिटेड हीनियस क्राइम। तो दोस्तों अगर जुवेनाइल ने अगर कोई हीनियस क्राइम भी किया है, फॉर एग्जांपल रेप, तो दोस्तों उस केस में उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती, या फिर आजीवन कारावास की सज़ा भी उनको नहीं मिल सकती है। पनिशमेंट दोस्तों क्या होगा इस केस में? तो सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ आर। तो दोस्तों जो भी कोर्ट होते हैं, जो चार टाइप के मैंने कोर्ट बताई हैं, तो जो उनके अंदर जो पनिशमेंट जो होती है, कोर्ट जो पनिशमेंट दे सकता है वो है डेथ, जिसके अंदर आता है हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ यानी कि फांसी की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि दोस्तों आजीवन कारावास, या फिर जेल, या तो सख्त सज़ा या फिर सिंपल जेल, फॉरचर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कराया जा सकता है, या फिर जुर्माना लगाया सकता है। तो दोस्तों ये सारे कुछ पनिशमेंट हैं जो कोर्ट दे सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये सेक्शन 2C CRPC के तहत आता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो दोस्तों होता है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑफेंस इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाई पुलिस विदाउट, याद रहे दोस्तों, विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट से कोई भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कौन कौन से सजा, कौन कौन से एक्ट होते हैं जिसके अंदर वारंट की जरूरत नहीं पड़ती? जैसे रेप, मर्डर, रॉबरी, डेथ, सेक्स ऑफेंस, रॉबरी, रैगिंग, डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, या फिर ग्रीवियस हर्ट। तो दोस्तों इन सब के केस में जो है वारंट की जरूरत नहीं पड़ती मजिस्ट्रेट से, पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है पर्सन को। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों एक निमोनिक है, निमोनिक है दोस्तों 4 RS। तो 4 R, तो 4 R और आखिर में S। तो रेप, रैगिंग जो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है, रॉबरी जो डकैती आप बोल सकते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जैसे कि रॉबरी डेथ, और S से दोस्तों हो गया स्टॉकिंग एंड वर्डिज्म। स्टॉकिंग होता है दोस्तों घूर घूर के देखना किसी को। तो दोस्तों इन सब के केस में जो है आपको कॉग्निजिबल ऑफेंस ये माने जाते हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी, इसके क्या क्या तरीके होते हैं? तो कैपिटल पनिशमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हैंगिंग होता है, हैंग टिल डेथ प्रैक्टिस इन इंडिया, इलेक्ट्रिक्यूशन बिजली के झटके दे दे के डेथ करना, लीथल इंजेक्शन ऑफ सोडियम थायोपेंटेटल, तो दोस्तों ये एक लीथल इंजेक्शन होता है, शूटिंग गोली मार के, गैरोटिंग जिसको स्पेनिश विंडलेस बोलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए चेयर में विक्टिम को ऐसे बिठा दिया गया है और इसके नेक से दोस्तों एक आयरन कॉलर लगा दिया जाता है और पीछे एक स्क्रू होता है। तो जैसे स्क्रू टाइट करते रहेंगे तो कॉलर टाइट करता रहेगा, तो दोस्तों उससे एस्फिक्शिया की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी।
कैपिटल पनिशमेंट में दोस्तों एक आता है सर को धड़ से अलग कर देना, जिसको गुइलोटाइन बोला जाता है। तो ये होता है दोस्तों डिकैपिटेशन, यानी कि सर को अलग कर देना। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं समन की, जिसको सपोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों आता है सेक्शन 61 से लेके 69 सीआरपीसी के तहत। तो समन यानी कि बुलाना, तो इट इज़ अ लीगल रिटन, लीगल कानूनी होता है, लिखित तौर पे डॉक्यूमेंट होता है, इश्यूड बाय द कोर्ट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर पेनल्टी ऑन अ पर्टिकुलर डे टाइम एंड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस। तो दोस्तों समन क्या होता है, ये लिखित में एक ऑर्डर होता है जिसमें पर्सन को जो है कोर्ट में प्रेजेंट कोर्ट में आना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम डेट और प्लेस पे ही। तो इसको दोस्तों बुलाता है समन। दीज आर टू टाइप ऑफ सपोनिया, दे आर टू टाइप ऑफ सपोनिया, दो टाइप के होते हैं दोस्तों। व्हेन इट इज डायरेक्टेड द विटनेस टू अटेंड एंड गिव एविडेंस, ये होता है दोस्तों सपोनिया एट टेस्टिफिकेंडम। वाइल टू अटेंड गिव एविडेंस एंड ब्रिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, मेडिको लीगल केस में कुछ हो गया, तो दोस्तों हो गया सपोनिया ड्यू से टेक्टम टेकम। तो दोस्तों दो टाइप के समन होते हैं, सपोनिया एट टेस्टिफिकेंडम और सपोनिया ड्यू से टेकम। तो दो टाइप के समन होते हैं। तो अ समन मस्ट बी ओबेड, द विटनेस विल बी एक्सक्यूज फॉर नॉट अटेंडिंग द कोर्ट इफ ही हैड अ वैलिड एंड अर्जेंट रीजन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट या फिर कोई वैलिड रीजन अगर माना अगर कोई होता है उसके पास, तो ही वो जो है नहीं अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत तो जो है एक्सक्यूज कर दिया जाएगा उसको। लेकिन दोस्तों अगर वो कोई वैलिड या फिर अर्जेंट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, नहीं दे पाता है वो वैलिड रीजन, तो जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। कोर्ट में इशू अ नोटिस अंडर 350 CRPC, तो कोर्ट के आदेश का पालन ना करने की वजह से उसके अगेंस्ट इशू हो सकता है 350 CRPC के तहत। इफ इट फाइंड्स डेट द विटनेस नेगलेक्ट टू अटेंड द कोर्ट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई वैलिड जस्टिफिकेशन के बजाय अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो दोस्तों कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा अंडर 350 CRPC के तहत। नॉन कम्प्लायंस टू ओबे समन इज पनिशेबल अंडर 174 IPC। तो दोस्तों 174 IPC के तहत वो जो है आज्ञा ना मानने, ओबे ना करने की वजह से उसके ऊपर जो है पनिशमेंट हो सकता है इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की कारावास, या फिर फाइन लग सकता है उसका 1,000 रुपये का, या फिर दोनों ही हो सकता है कोर्ट का आदेश ना मानने के जुर्म में। देयर इज सर्टेन प्रायोरिटीज व्हेन अ पर्सन रिसीव मोर देन वन समन। तो अगर मान लीजिए दोस्तों अगर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा समन आते हैं कोर्ट से, तो वो किसको पहले प्रायोरिटी देगा। तो हायर कोर्ट हैज़ प्रायोरिटी ओवर लोअर कोर्ट। तो अगर मान लीजिए दोस्तों एडिशनल सेशन कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही समन आया हुआ है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है समन पे जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो जब वो इसमें नहीं जाएगा, क्या कहते हैं, जब वो एडिशनल सेशन में नहीं जाएगा, तो उसको बाद में ये दिखाना पड़ेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्रिमिनल कोर्ट हैज़ प्रायोरिटी ओवर सिविल कोर्ट। तो दोस्तों सिविल कोर्ट के कंपेयर में क्रिमिनल कोर्ट में पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इफ़ टू समन फ्रॉम टू कोर्ट ऑफ सेम स्टेटस, ही शुड अटेंड द कोर्ट फ्रॉम वेयर ही रिसीव समन फर्स्ट। तो दोस्तों अगर मान लीजिए दो सुप्रीम कोर्ट से उसके पास समन आए अलग अलग केस के रिगार्डिंग, तो दोस्तों जो पहला समन आया होगा वो उसको अटेंड करने के लिए उसको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंडक्ट मनी। तो कंडक्ट मनी क्या होता है दोस्तों, फी पेड टू अ विटनेस इन सिविल केस वाइल सर्विंग समन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए सिविल केस में अगर मान लीजिए विटनेस जो है समन के तहत अगर वो जाता है, तो उसके लिए उसको पैसा देना, पैसा उसको मिलेगा, पेड बाय द पार्टी हु समन्ड द विटनेस। तो दोस्तों विटनेस को बुलाने के लिए जिसने कहा है वो पार्टी जो है उसको पैसा पे करेगी। नो फीस पेड टू विटनेस इन क्रिमिनल केस। तो दोस्तों क्रिमिनल केस में विटनेस को कोई भी पैसा दिया नहीं जाता है। कोर्ट में गिव कंडक्ट मनी टू एक्सपर्ट विटनेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल अलाउंसेस या फिर डायट्री अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल 312 CRPC के तहत। तो दोस्तों कंडक्ट मनी के अंदर क्या आता है, जैसे आने जाने का भाड़ा या फिर इसके साथ साथ जो उसके खाने पीने का जो रास्ते में जो उसको लगा,
इन इन दो चीजों का वो मनी पे उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेडिकल एविडेंसेस। तो दोस्तों दो टाइप के एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंसेस और होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। दोस्तों ओरल होता है मुंह जवानी बर्बल, तो मे बी डायरेक्ट इनडायरेक्टली या फिर हियर से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गया, जैसे मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हो गया, बैंक डिक्लेरेशन हो गया, तो दोस्तों ये लिखित में एविडेंस है उसके पास। हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट टू एक्सेप्शन आर डाइंग डिक्लेरेशन एंड रेस जस्टेड। तो दोस्तों हेयर से विटनेस वैसे तो कोर्ट के अंदर अलाउड जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक है डाइंग डिक्लेरेशन और है रेस जस्टे। दोस्तों इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो रेस जस्टे क्या होता है, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आर एक्ट इनवॉलेंट्री एक्सक्लेमेशन मेड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड एंड आर सो क्लोजली कनेक्टेड टू मेन फैक्ट हीट ऑफ द मोमेंट। तो दोस्तों मान लीजिए कि उसको जो है जब वो गवाही दे रहा था उकसा दिया गया, तो उसमें उस वजह से जो है वो अपना जो गुनाह है वो कबूल कर बैठा, मेड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड एंड आर सो क्लोजली कनेक्टेड टू मेन फैक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन होता है दोस्तों 321 इंडियन 332 इंडियन एविडेंस एक्ट, 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। ओरल एविडेंस क्या होता है दोस्तों, गिवन अंडर ओरल अंडर गिवन अंडर ओथ। तो ओथ यानी कि उसको कसम लेनी पड़ती है। मोर इम्पॉर्टेंट देन डॉक्यूमेंट्री, तो दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री के में एविडेंस, बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन इन ओरल एविडेंस। क्योंकि ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा सुपीरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन करके जो है हम यहाँ पे और ज़्यादा सच्चाई के पास आ सकते हैं। अ डम विटनेस में गिव एविडेंस बाय राइटिंग और बाय साइनिंग। तो दोस्तों जो डम लोग जो होते हैं, तो दोस्तों वो साइनिंग करके या फिर लिख के वो अपना बयान दे सकते हैं जो बोल नहीं सकते। तो ये दोस्तों ये आता है सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दोस्तों बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे जो होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, डेथ सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड इफ केस ऑफ डेथ इज नॉट श्योर, फॉल प्ले इन इज सस्पेक्टिंग विदाउट इंस्पेक्टिंग द बॉडी, इशूइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 197 IPC। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है या कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो वो सेक्शन 197 IPC के तहत वो गुनहगार माना जाएगा और इसके अंदर उसको 7 साल की सजा हो सकती है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यूजुअली इन क्राइम क्रिमिनल केस, एग्जाम्पल जैसे असॉल्ट रेप या फिर मर्डर। दोस्तों जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो डॉक्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाती है, लेकिन उसके लिए लिखित में ऑर्डर होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या फिर उसके ऊपर के जो ऑफिसर होंगे उनके द्वारा। डाइंग डिक्लेरेशन दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था 32 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर। रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन इन रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और ऑन सर्कमस्टेंसेज, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुड बी कॉल्ड टू रिकॉर्ड इट, अदर पर्सन लाइक मजिस्ट्रेट अ डॉक्टर अ पुलिस विलेज हेडमैन और एनी अदर पर्सन कैन रिकॉर्ड बट द वैल्यू विल बी लेस। तो दोस्तों वैसे तो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, लेकिन बाकी भी जो है जो उसका स्टेटमेंट है ले सकते हैं। ये दोस्तों जो डाइंग पर्सन जो मरने की हालत में जो पर्सन होता है उसकी स्टेटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ओथ इज नॉट एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि दोस्तों ये माना जाता है मरता हुआ इंसान हमेशा सच बोलेगा। लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, द स्टेटमेंट मेड बाय द विक्टिम मस्ट बी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ओपिनियन। इफ डिक्लेरेटेड सर्वाइव डाइंग डिक्लेरेशन हैज कोलैबोरेटिव वैल्यू, ये भी ध्यान रखना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में क्या फ़र्क होता है। रिकॉर्डेड बाई, तो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, मजिस्ट्रेट डॉक्टर या फिर एनी वन।
और डाइंग डिपोजिशन के अंदर दोस्तों सिर्फ मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है। ओथ डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर दोस्तों जरूरी नहीं होते, नॉट एडमिसिबल, लेकिन दोस्तों डाइंग डिपॉजिट के अंदर, डिपोजिशन के अंदर ओथ होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसके अंदर नहीं किया जाता डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, लेकिन डाइंग डिपोजिशन के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। कंपैरिजन की अगर बात करें तो दोस्तों सिंस यहाँ पे मजिस्ट्रेट ले रहा है, ओथ भी हो रही है, तो दोस्तों ये ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा इसके कंपेयर में, लेस सुपीरियर। एक्सेप्टेबल क्या होगा, एक्सेप्टेबल इन इंडिया, लेकिन ये नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड इन कोर्ट ओनली आफ्टर ओरल टेस्टिमनी ऑफ द कंसर्न पर्सन हु अपीयर द डॉक्यूमेंट, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो दोस्तों इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, एक्सपर्ट की ओपिनियन एक्सप्रेस इन अ ट्रस्टीज, एविडेंस ऑफ अ डॉक्टर रिकॉर्डेड इन अ लोअर कोर्ट, रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट लाइक केमिकल एग्जामिनर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव, सेरोलॉजिस्ट एक्सेट्रा, एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन अ प्रीवियसली जुडिशियल प्रोसीडिंग, पब्लिक रिकॉर्ड्स या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों ये सारे इसके एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के। विटनेस की बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ विटनेस, तो अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ लॉ एनीवन कैन टेस्टिफाई, इसके लिए कोई एज नहीं, अनलेस दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और ड्यू टू डिजीज ऑफ माइंड। तो दोस्तों कोई भी यहाँ विटनेस के तौर पर आ सकता है, एक्सेप्ट जो उस क्वेश्चन को, जिनको समझने की जो उस क्वेश्चन को ना समझ पाए, या फिर जो पागल इंसान है, जो डिजीज ऑफ माइंड, जो अनसाउंड माइंड के जो होते हैं, तो अनसाउंड माइंड के जो होते हैं जैसे कि वो, तो बाकी में कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो ये सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये आता है। तो दोस्तों दो टाइप के विटनेस होते हैं, कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। तो कॉमन विटनेस कौन होते हैं, गिव्स एविडेंस अबाउट द फैक्ट ऑब्जर्व बाई विटनेस, फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल। तो दोस्तों जो फैक्ट, जो विटनेस ने जो फैक्ट ऑब्जर्व किया वो देता है। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है दोस्तों, जो कंक्लूजन भी दे सकते हैं उन फैक्ट के द्वारा, जैसे ड्रॉज कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट ऑब्जर्व बाई हिमसेल्फ और अदर बाई हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल एक्सेट्रा। जैसे डॉक्टर आते हैं दोस्तों इसके अंदर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आते हैं दोस्तों, फायरआर्म के एक्सपर्ट आते हैं इसके अंदर, केमिकल एग्जामिनर्स आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्सपर्ट विटनेस वो होते हैं जो अपने जिस फील्ड में वो एक्सपर्टाइज हैं, वो उसके द्वारा जो है किसी फैक्ट को किसी कंक्लूजन के ऊपर ला सके। दोस्तों यही होता है एक्सपर्ट विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है दोस्तों, हैव सम मोटिव फॉर कंसीलिंग पार्ट ऑफ ट्रूथ, कंसीलिंग का मतलब है छुपाना। तो दोस्तों किसी मोटिव के चक्कर में सच को छुपाता है और गिव कम्प्लीटली फॉल्स एविडेंस, या फिर दोस्तों पूरा ही गलत एविडेंस देता है। ऑन सजेशन फ्रॉम द लॉयर हु समन्ड द विटनेस और प्रोसिक्यूशन लॉयर, कोर्ट डिक्लेयर द विटनेस एज हॉस्टाइल। वंस ही डिक्लेयर एज हॉस्टाइल विटनेस, ही कैन क्रॉस एग्जामिन बाय द सेम साइड लॉयर। तो दोस्तों अगर एक बार पता चल गया कि वो जो है झूठी गवाही दे रहा है, तो दोस्तों वो हॉस्टाइल विटनेस के ऊपर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करके क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। पर्जरी क्या होता है दोस्तों, पर्जरी की जो डेफिनेशन आती है दोस्तों, ये 1991 आईपीसी के तहत आती है, लेकिन दोस्तों पनिशमेंट के में जो पनिशमेंट है, पर्जरी के अंदर जो पनिशमेंट है वो जो है 193 आईपीसी के तहत आती है। तो पर्जरी क्या होता है दोस्तों, गिविंग विलफुली फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस अंडर ओथ। तो दोस्तों ओथ यानी कि कसम लेने के बाद भी अगर वो जो है झूठी गवाही दे रहा है, या फिर झूठे सबूत पेश कर रहा है, या फिर तोड़ मरोड़ के वो जवाब दे रहा है ताकि सच का पता नहीं चल सके, फैब्रिकेट कर रहा है वो, दोस्तों ये होता है परजरी। तो इसकी जो पनिशमेंट होती है दोस्तों, 7 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पे मिलती है। रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस, तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस क्या है, बिफोर गिविंग एविडेंस अ विटनेस हैज टू टेक ओथ विच डिफाइंड अंडर 51 आईपीसी। तो दोस्तों 51 आईपीसी के तहत उसको ओथ लेना पड़ेगा। अ चाइल्ड बिलो 12 इयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ओथ। दोस्तों 12 साल से कम के बच्चे को ओथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ इज पनिशेबल अंडर 176 आईपीसी। दोस्तों 176 आईपीसी के तहत ये पनिशेबल रहेगा। इसके अंदर दोस्तों 6 मंथ की सजा या फिर 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही
उसको हो सकता है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 178 IPC, लेकिन दोस्तों जो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो था वो 176 CRPC था, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों ही वर्ड पास पास है, तो एक CRPC एक IPC है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले आता है दोस्तों एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है दोस्तों डायरेक्ट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जिसने बुलाया होता है वो जिसने समन किया होता है प्रोसिक्यूशन लॉयर, तो उसके द्वारा किया जाता है बाय द लॉयर हु हैज समन हिम, प्रोसिक्यूशन लॉयर के द्वारा किया जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ। लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। दोस्तों हॉस्टाइल विटनेस को छोड़ के यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, बाय लॉयर ऑफ अपोजिट पार्टी। तो दोस्तों जो अपोजिट पार्टी का जो लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, यानी कि डिफेंस लॉयर। लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड, तो दोस्तों इसके लिए लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड होते हैं सेक्शन 143 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो इसके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। री एग्जामिनेशन क्या होता है दोस्तों, डन ओनली टू करेक्ट एनी मिस्टेक और टू क्लैरिफाई द स्टेटमेंट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाई सेम साइड लॉयर। क्वेश्चन बाई जजेस की अगर हम बात करें तो मे आस्क एनी क्वेश्चन, तो दोस्तों जज कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन एनी फॉर्म एट एनी स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो जज होता है दोस्तों वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है अपनी क्लैरिटी के लिए। तो दोस्तों कुछ लीगल प्रोसेसेस के अंदर जो सेक्शंस है वो देखते हैं। तो दोस्तों जो ओथ है वो सेक्शन 150 सेक्शन 51 IPC के तहत आती है ओथ। सेक्शन 191 IPC के तहत आता है परजरी। सेक्शन 193 IPC के तहत आता है दोस्तों पनिशमेंट फॉर परजरी। सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट ऑर्डर ऑफ एविडेंस एग्जामिनेशन। सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ। सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए परमिट करता है। सेक्शन 141 इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन के लिए परमिट करता है। सेक्शन 142 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कंडीशन वेयर लीडिंग क्वेश्चन नॉट परमिटेड। सेक्शन 143 इंडियन एविडेंस एक्ट कंडीशन वेयर लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड। सेक्शन 197 इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पीनल कोड, तो 191 IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड या फिर 197 इंडियन पीनल कोड पनिशमेंट फॉर इशूइंग फेक फॉल्स सर्टिफिकेट। तो सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट ये जो जो है एक्सपर्ट विटनेस के लिए होता है। तो दोस्तों ये IPC है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये भी IPC और ये भी IPC। तो ये तीन है IPC, ये भी है IPC, बाकी सारे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं होमिसाइड के बारे में। तो किलिंग अ ह्यूमन बीइंग बाय अदर ह्यूमन। तो दोस्तों ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पे जितने भी IPCs हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, मैं उनको आपके सामने पेश कर सकूँ। इसलिए मैंने ये सेक्शन यहाँ पे लिया, इसमें ग्रीवियस हर्ट, सिंपल इंजरी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो लॉफुल होमिसाइड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो कानून के द्वारा किसी को मारा जाता है, कानूनी तौर पर मारा जाता है, तो दोस्तों ये जस्टिफाइबल होता है। जैसे कि भारत में हैंगड डेथ, जो मौत की जो सेंटेंस होता है, जो दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट जो मिलती है वो होता है लॉफुल होमिसाइड। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। एक्सक्यूएबल क्या होता है दोस्तों, जैसे किलिंग ऑफ फॉर सेल्फ डिफेंस। तो दोस्तों सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दिया गया है या फिर किसी पागल इंसान ने किसी को मार दिया गया है, जो अनसाउंड माइंड का होता है, किलिंग बाय अ इनसेन पर्सन। दोस्तों जो अनसाउंड माइंड का जो होता है वो, तो जो अनलॉफुल होमिसाइड क्या क्या होता है दोस्तों, इट इज डिवाइडेड इंटू टू, जैसे मर्डर सेक्शन 300 IPC, कैल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 IPC। कैल्पेबल होमिसाइड के अंदर दोस्तों दो टाइप के होते हैं, अमाउंटिंग टू मर्डर या फिर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दोस्तों ये सेक्शन 300 IPC के तहत आता है, लेकिन ये आता है सेक्शन 304 IPC के तहत। कैल्पेबल होमिसाइड दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ।
पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ अ कल्पेबल होमसाइड बाय डूइंग एन एक्ट। दोस्तों जो मर्डर के पर्पस से इसने एक्ट किया है, मतलब जान लेने के पर्पस से, पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो दोस्तों जो उसके डेथ के रिगार्डिंग जिसका इंटेंशन था, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो दोस्तों वो इतना ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस कर देगा कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, जैसे जैसे पीट पीट के हत्या कर देना, ये चीज़ होता है। विद द नॉलेज डेथ बाय सच एन एक्ट डेथ इज लाइकली टू रिजल्ट। तो दोस्तों उसको जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, किसी ने गोली चलाई तो उसको पता है गोली चलाने से उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको नॉलेज है। इफ डेथ अकर इनडायरेक्टली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर और डिजीज ऑफ विक्टिम, कल्पेबिलिटी विल बी एंश्योर्ड। एग्जाम्पल रप्चर ऑफ एनलार्ज स्प्लीन ड्यू टू मलेरिया और कालाजर बाय अ ब्लंट फोर्स इंपैक्ट टू एब्डोमेन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए पर्सन को मलेरिया या फिर कालाजर था और उसने जो है जानबूझ के एक ब्लंट किसी डंडे से या किसी भी उससे एब्डोमेन पे हिट किया जिससे उसकी स्प्लीन फट गई, तो दोस्तों ये भी इसके अंदर आता है। कैल्पेबल होमिसाइड नॉट माउंटिंग टू मर्डर। तो दोस्तों नॉट माउंटिंग टू मर्डर ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, दिस कंप्राइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्टस रिया, यानी कि कॉजिंग डेथ बॉडली इंजरी लाइक टू कॉज डेथ विद नॉलेज डेट सच एन एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ इज प्रेजेंट बट नॉट अकम्पेड विद मेंस रिया, यानी कि इंटेंशन टू किल कम्प्लीटली एबसेंट। क्या एग्जाम्पल लेता है दोस्तों, राम बींग ग्रेवली प्रोवोकेटेड बाई श्याम, फायर एट श्याम बट किल राजू स्टैंडिंग नियर श्याम। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, क्या कि राम जो है मारने गया था श्याम को, उसने श्याम के ऊपर गोली चलाई लेकिन श्याम पे गोली नहीं ना लग के वो राजू के ऊपर लग गए, बट किल्स राजू, जिससे राजू की हो गई डेथ। तो वो राजू को मारना नहीं चाहता था लेकिन उसकी हो गई डेथ, तो ये हो गया दोस्तों नॉट माउंटिंग टू मर्डर, लेकिन उसका डेथ हुआ है गोली चलने से। तो राम बींग ग्रेवली प्रोवोकेटेड बाय श्याम, फायर्ड एट श्याम, श्याम के ऊपर गोली चलाई लेकिन श्याम के बाजू में जो राजू खड़ा था उसकी डेथ हो गई, श्याम की डेथ नहीं हुई। सपोज करिए जो है गोली चलाई लेकिन अचानक से श्याम साइड हो गया तो गोली जाके राजू पे लग गई। तो ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हैं, याद करने में क्या जा रहा है। कल्पेबल होमिसाइड माउंटिंग टू मर्डर, ये क्या होता है दोस्तों, इफ द एक्ट बाई डेथ इज कॉज, इफ द एक्ट बाई विच डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजुरीज लाइक टू कॉज डेथ विद द इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजुरीज sufficient to cause death in orderly course of nature is committed with the knowledge that the act is immensely dangerous and must in all probability cause death. तो दोस्तों culpable homicide mounting to murder, जैसे मान लीजिए कि उसको पता है कि गोली चलाने से उसकी डेथ हो जाएगी और उसने उसके माथे पे गोली चला दी या उस पर्सन के ऊपर गोली चला दी, तो दोस्तों उसको पता है कि इससे उसकी डेथ हो जाएगी लेकिन तब भी उसको गोली चला के उसकी जान ले ली। तो ये यही होता है दोस्तों culpable homicide mounting to murder. तो ऑल मर्डर्स इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन जितने भी कल्पेबल होमिसाइड होते हैं वो मर्डर नहीं कहलाते हैं। इनसेन पर्सन के द्वारा अगर किसी की डेथ हुई है तो डिफरेंट आईपीसीज, तो डिफरेंट आईपीसीज जो हैं दोस्तों उनके बारे में बता देता हूँ मैं। सेक्शन 302 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर मिलता है इसके अंदर दोस्तों। 303 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाई लाइफ कन्वे, यानी कि डेथ। 304 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट माउंटिंग टू मर्डर। 304 ए आईपीसी, ए और बी, 304 ए आईपीसी क्या होता है, रैश और नेग्लिजेंट होमिसाइड, और 304 बी आईपीसी क्या होता है दोस्तों, डावरी डेथ। 305 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ पर्सन और इनसेन पर्सन। 306 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड, अबेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों उकसाना। तो 307 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, अमेंड टू मर्डर। 308 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, अमेंड अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। 309 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, अमेंड टू अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। डेंजरस वेपन क्या होता है दोस्तों, एनी इंस्ट्रूमेंट यूज टू फॉर शूटिंग स्टैबिंग और कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ।
डिफरेंट आईपीसीस रिलेटेड डेंजरस वेपन। तो डेंजरस वेपन के रिगार्डिंग आईपीसीस क्या, डेंजरस वेपन दोस्तों आपको बता दूं, जैसे शूटिंग या चाकू से स्टैब करना या फिर चॉपिंग इंजरी या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों इन सब से इंजरी प्रोड्यूस करना, ये जो होते हैं दोस्तों डेंजरस वेपन। दोस्तों क्या कहते हैं, इसके रिगार्डिंग जो आईपीसीस हैं वो बता देता हूँ। सेक्शन 324 आईपीसी, 324 आईपीसी क्या होता है दोस्तों, वॉलेंटरी कॉजिंग हार्ट बाई डेंजरस वेपन। डेंजरस वेपन से दोस्तों अगर उसको हर्ट किया गया, इसके अंदर दोस्तों 3 साल तक की सज़ा मिलेगी, जैसे ग्रेजिंग ऑफ बुलेट टू प्रोड्यूस एब्रेशन फायर फ्रॉम अ राइफल आर्म। तो दोस्तों अगर मान लीजिए डेंजरस वेपन से अगर किसी को हर्ट हुआ है, तो 326 आईपीसी क्या है कहती है दोस्तों, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट। दोस्तों अगर मान लीजिए डेंजरस वेपन से उसको ग्रीवियस हार्ट हुआ, तो दोस्तों इसके अंदर 10 साल की सज़ा होगी, जैसे मान लीजिए बुलेट जो फायर आर्म से प्रोड्यूस हुई है उससे बोन का फ्रैक्चर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 324 आईपीसी क्या कहती है, जैसे मान लीजिए बुलेट जो है टच करके चली गई, ऐसे टच करके चली गई, तो जो एब्रेजन आया तो वो सिंपल हर्ट के अंदर आएगा, तो दोस्तों इसके अंदर 3 साल की सज़ा आएगी, क्योंकि वेपन जो है डेंजरस वेपन था। ग्रेवियस हार्ट की दोस्तों बात करते हैं, डिफाइंस अंडर सेक्शन 320 आईपीसी एनी ऑफ द फॉलोइंग इंजरी आर ग्रीवियस। तो क्या क्या होते हैं दोस्तों, इमेस्कुलेशन मीन्स डेप्रिवेशन ऑफ अ मेल ऑफ हिज मेस्कुलाइन वाइगर बाई कटिंग पीनस, कैस्ट्रेशन और एनी स्पाइनल इंजरी रिजल्टिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग। तो ऐसे मान लीजिए दोस्तों उसका पीनस जो है कट हो गया या उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग आ गई, तो दोस्तों ये भी ग्रीवियस हार्ट के अंदर आएगा। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई इन द फॉर्म ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फील एंड लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी। दोस्तों अगर मान लीजिए आईज का परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट, अगर हमारी साइट जो है परमानेंट चली जाती है तो ग्रीवियस हार्ट में आएगा। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, इंजरी टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ऑफ साइकल्स, ऑडिटरी नर्व विच इज़ नॉट गोइंग टू हील इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो जैसे मान लीजिए कान पे इतनी जोर से चाटा मारा कि जो है थप्पड़ मारा कि जो है कान के पर्दे उसके फट गए, तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये भी परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है इससे, तो ये भी ग्रीवियस हार्ट के अंदर आएगा। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ ज्वाइंट, मान लीजिए कोई मेंबर जो ज्वाइंट है, कोई भी ज्वाइंट है उसका प्राइवेशन हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई मसल के ऊपर इंजरी हो गई जिससे कोई ज्वाइंट अच्छे से इम्पेयरमेंट जो है काम नहीं कर पा रहा है। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड एंड फेस, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, एक्ट्रेस वगैरह, तो अगर मान लीजिए उनके फेस पे कुछ गिर जाता है, कुछ डिसफिगर हो जाता है, तो दोस्तों ये भी जो है ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्ट्रेसेस का, फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी कि दोस्तों अगर हमारी हड्डी टूटती है या दांत टूटते हैं, एनी हर्ट विच इंडेंजर लाइफ और विच कॉज द विक्टिम टू बी इन सीवियरली बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डनरी परस्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। दोस्तों मान लीजिए जो रोज़मर्रा के जो काम होता है उसमें 20 दिन तक उसको दिक्कत आती है, तो दोस्तों ये भी, या फिर उसकी जान को खतरा होता है, तो दोस्तों ये भी ग्रीवियस हार्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टॉर्चर के बारे में, तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो के अंदर डिफाइन करता है टॉर्चर। 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल टॉर्चर। तो इस्तांबुल प्रोटोकॉल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ टॉर्चर पेशेंट, बीटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फिजिकल टॉर्चर। तो टाइप ऑफ टॉर्चर क्या क्या होता है दोस्तों, ड्राई सबमरीनर, यानी कि कवरिंग द फेस ऑफ विक्टिम विद अ प्लास्टिक बैग। तो दोस्तों इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी बेबी, उसके अंदर जो है वो अक्षय कुमार जाता है और उसके फेस पे जो है प्लास्टिक रहता है जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो दोस्तों ये होता है ड्राई सबमरीनर। प्लैंकटन क्या होता है दोस्तों, फोर्स्ड स्ट्रैंडिंग। पिकाना क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टॉर्चर। फेलंगना क्या होता है दोस्तों, बीटिंग ऑफ सोल, मोस्ट कॉमन मेथड होता है दोस्तों सोल पे मारना। टेलीफोना क्या होता है दोस्तों, टेलीफोन से आप समझ सकते हैं कान, तो रिपीटेड स्लैपिंग ऑफ द साइड ऑफ द हेड ऑफ विक्टिम, यानी कि ईयर। ब्लैक स्लेट क्या होता है दोस्तों, गर्मा गर्म मेटल की हॉट रॉड, उसको एनएस में डालना, इंसर्शन ऑफ द हॉट मेटल रॉड इन एनएस। पेराफेनो क्या होता है दोस्तों, हिटिंग ऑन द एब्डोमेन। पेरिफेरल
पैरेट पर्च क्या होता है दोस्तों, सस्पेंडिंग फ्रॉम अ पोल प्लेस अंडर द नी विद हिज रिस्ट बाउंड टू द एंकल्स। बेलरी क्या क्या होता है दोस्तों, अ स्टिक स्मेयर्ड विद ब्रेड और ग्रीन चिली पेस्ट इन थ्रस्ट इन टू एनस। दोस्तों मान लीजिए कोई स्टिक है जो ग्रीन चिली या फिर रेड चिली के पाउडर से लगी हुई है, उसको फोर्सफुली एनस के अंदर डालना। ये प्लेस्टिनिया हैंगिंग यानी कि क्रूसिफिक्सन क्या होता है, बाइंडिंग द प्रिजनर्स हैंड बिहाइंड हिज ईयर और बैक एज फटिक सेस्ट इन द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड पुटिंग फुल बॉडी लेंथ इन टू द शोल्डर दिस इम्पेयर ब्रीदिंग लीड टू डेथ। कैटल पॉट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक स्पेशली ओवर द जेनेटल्स। स्ट्रेपिडो क्या होता है दोस्तों, टाई हैंड बिहाइंड एंड पर्सन सस्पेंडेड ऑल्सो नोन एज ला बेंडेरा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं थ्योरी पार्ट में ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट थ्योरी पार्ट मैंने ख़त्म की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एमसीक्यूज, इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो दोस्तों बता दूँ कि ये रिकॉर्डेड सेशन में मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया इज, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप क्या होती है इंक्वेस्ट की भारत में, तो कोरोनर इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्वेस्ट। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस इंक्वेस्ट होती है, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों पुलिस इंक्वेस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे कॉमनेस्ट टाइप है इंक्वेस्ट की। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है आईओ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर हेड कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत जो है ये होते हैं इंक्वेस्ट होती है। ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सुसाइड मर्डर और डेथ इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ही इमीडिएटली गिव इंटीमेशन अबाउट इट टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड एन इंक्वेस्ट एंड प्रोसीड टू द प्लेस वेयर डेथ बॉडी इज। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, जहाँ पे डेथ हुआ या मर्डर हुआ है दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले ये जाते हैं इन्फॉर्म करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और फिर ये डेड बॉडी पे वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। देयर इन प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू रेस्पेक्टेबल पर्सन जैसे पंचायत मेक एन इन्वेस्टिगेशन यानी कि सेट्स 175 सीआरपीसी सेक्शन एंड प्रिपेयर एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों यही होता है पंचनामा जो कि साइन होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा और पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं द इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ इज कॉल्ड। तो दोस्तों इंक्वायरी जो होती है डेथ के केस में उसको क्या बोला जाता है, होमिसाइडल इंक्वायरी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ओपन वर्डिक या फिर एडजर्न वर्डिक। तो दोस्तों इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, जो इंक्वायरी की जाती है वो होती है दोस्तों इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की डाउट आए तो आप जो है ऐप के अंदर में से पूछ लीजिएगा। अ लेडी डाइड ड्यू टू अननेचुरल डेथ विद इन 7 ईयर आफ्टर इज मैरिज, द इंक्वेस्ट इन दिस केस विल बी डन बाई। दोस्तों एक न्यूली मैरिड वुमेन की डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ होती है, दोस्तों इस केस में इंक्वेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोरोनर। तो दोस्तों यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है इंक्वेस्ट करते हैं, तो ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है, कंडक्टेड बाई किसके द्वारा कंडक्ट होता है, कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एम्पावर टू बाय स्टेट गवर्नर और तहसीलदार। इट इज़ एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट टू एसर्टेन मैटर ऑफ द फैक्ट इट हेल्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो दोस्तों इन सब केस के अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो दोस्तों ये सारे केसेस कौन कौन से हैं, एग्जीमिशन यानी कि दोस्तों किसी डेड बॉडी का उनके ग्रेवयार्ड से बाहर निकालना, ये होता है दोस्तों एग्जीमिशन। डावरी डेथ यानी कि दोस्तों सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डावरी डेथ क्या होती है दोस्तों, मैरिज के 7 साल के पहले पहले यानी कि मैरिज हुई और उसके 7 साल से पहले पहले अगर उसकी
अननेचुरल डेथ होती है तो वो होती है दोस्तों डावरी डेथ। तो डेथ ऑफ अ कन्विक्ट इन जेल, यानी कि अगर दोस्तों अगर किसी प्रिजनर की अगर डेथ हो जाती है जेल के अंदर, तो जो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी डेथ ऑफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी और ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन। दोस्तों माने पुलिस कस्टडी में या फिर पुलिस इंटरोगेशन के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी। डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ प्योरिंग पुलिस फायरिंग या फिर हीलिंग, तो दोस्तों पुलिस फायरिंग के दौरान अगर किसी की डेथ हुई तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी। तो डेथ इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, तो दोस्तों उस केस में भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ डेथ इन लॉकअप द इंक्वेस्ट इज हेल्ड बाई, तो दोस्तों डेथ हुई है लॉकअप में यानी कि पुलिस की कस्टडी के अंदर डेथ हुई है, तो इसमें इंक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, पंचायत ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो दोस्तों सिंस लॉकअप के अंदर डेथ हुई तो मजिस्ट्रेट इसके अंदर इंक्वेस्ट परफॉर्म करता है। ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। इन इंडिया मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन इन द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट, दोस्तों भारत में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इसमें से किसके अंदर नहीं होगी, तो एग्जीमेशन केस, डावरी डेथ विद इन 5 ईयर ऑफ द मैरिज, मर्डर केस, डेथ ऑफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी। दोस्तों सिंस यहाँ पे जो ऑप्शन है मर्डर केस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ये एक्सेप्ट पूछा गया है। दोस्तों एग्जीमेशन केस यानी कि ग्रेवयार्ड के से डेड बॉडी को बाहर निकालना, ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। डावरी डेथ विद इन 5 ईयर ऑफ द मैरिज, क्योंकि मैरिज के 5 साल के अंदर डेथ हुई है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। मर्डर के केस में पुलिस इंक्वेस्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा, डेथ ऑफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इसके अंदर भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट में बी एनहेंस्ड बाई, दोस्तों अगर मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी है तो दोस्तों उसको कौन चेंज कर सकता है, उसको कौन बढ़ा सकता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, हायर कोर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो उसके ऊपर की जो कोर्ट होगी वो उस पनिशमेंट को एनहांस कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बारी में आपको सारे कोर्ट के बारे में बता देता हूँ मैं, तो क्या कहते हैं, पहले देखते हैं दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये दोस्तों 1 साल तक की ही सजा दे सकते हैं, जो फाइन लगा सकते हैं वो 1000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दोस्तों जो फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और 5000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं दोस्तों वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ इतने तक का भी फाइन लगा सकते हैं, अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं वो। असिस्टेंट सेशन कोर्ट, ये दोस्तों 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और ये भी अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं सेक्शन 28(3) CRPC के तहत। फिर आता है दोस्तों सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट क्या होता है दोस्तों, ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ बट दिस डेथ सेंटेंस मस्ट बी कन्फर्म बाई हाई कोर्ट। दोस्तों सेशन कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकता है चाहे वो डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर दोस्तों डेथ सेंटेंस अगर वो देते हैं तो दोस्तों हाई कोर्ट से जो है कंफर्म करना पड़ेगा डेथ सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पावर ऑफ अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो दोस्तों फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, फाइन अप टू 5,000 and 3 years इम्प्रिजमेंट, अप टू 3,000, फाइन अप टू 3,000, अनलिमिटेड फाइन या फिर अप टू 1 year इम्प्रिजमेंट। दोस्तों फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसे मैंने आपको पीछे इसके अंदर बताया था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है 3 साल की सजा 5,000 तक का जुर्माना, तो दोस्तों यहाँ पे भी 5 साल 3 साल तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना, तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो 3,000 तक का जुर्माना नहीं, अनलिमिटेड फाइन नहीं, अप टू 1 year इम्प्रिजमेंट नहीं, दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस इज डन बाई, दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन किसके जो प्रोसिक्यूशन विटनेस के अंदर होता है कौन करता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, जज या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस,
इज डन बाई। तो दोस्तों ये जो होता है डिफेंस काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, हालांकि जज जो है कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, जज कभी भी कोई भी सवाल कर सकता है किसी भी टाइम पे, वो अपनी क्लैरिटी के लिए, अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कोई भी कभी भी सवाल कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस इज डन बाई, अगर हम देखें तो दोस्तों डिफेंस काउंसिल कर सकता है, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, नन नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको समझा रहे, तो मैं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या क्या होते हैं, एग्जामिनेशन इन द चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ की दोस्तों अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय लॉयर, जैसे जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो, ऑफ द साइड विच है समन ही, जिन्होंने बुलाया होता है वो। इन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन केस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्स्ट एग्जामिन द विटनेस, द ऑब्जेक्टिव टू एलिसिट ऑल रिलेवेंट कन्विंसिंग फैक्ट। लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर नहीं किए जाते हैं, विच सजेस्ट डायरेक्ट आंसर, वो नहीं इसके लिए पूछे जाते हैं, आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन केस वेयर जज इज सेटिस्फाइड दैट अ विटनेस इज हॉस्टाइल। तो सो जो बाब अपने जो बयान बदलता है वो होते हैं हॉस्टाइल विटनेस, तो उस केस को छोड़ के इसके लिए लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है दोस्तों, लॉयर ऑफ अपोजिट यानी कि एक्यूज्ड या फिर डिफेंस का जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, अपोजिट साइड एग्जामिन क्वेश्चन द विटनेस। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिसिट रिमूव और मॉडिफाई फैक्ट एंड टू टेस्ट द एक्यूरेसी फॉर स्टेटमेंट और विटनेस। लीडिंग क्वेश्चन इसके लिए अलाउड होते हैं। मर्डर के ट्रायल में डिफेंस विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। री एग्जामिनेशन क्या होता है दोस्तों, रीडायरेक्ट या फिर री एग्जामिनेशन डन बाय लॉयर फॉर द बोथ फॉर लॉयर फॉर द साइड विच हैज समन्ड हिम, द ऑब्जेक्टिव टू अमेंडमेंट और क्लैरिफाई स्टेटमेंट मेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। द विटनेस शुड नॉट टेल एनी न्यू थिंग इन दिस स्टेज, अदरवाइज अपोजिट लॉयर हैज राइट टू री क्रॉस एग्जामिनेशन। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन बाई जज कैन बी आस्क एट एनी स्टेज टू क्लियर डाउट। दोस्तों जज कभी भी किसी भी स्टेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ओनली इन, दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन किसके अंदर परमिसिबल होते हैं, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, डाइन डिक्लेरेशन या फिर री एग्जामिनेशन। तो दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन चीफ नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन सही जवाब है, डाइन डिक्लेरेशन नहीं, री एग्जामिनेशन नहीं। दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था मैंने कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड, लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। तो लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, विच सजेस्ट डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर इनसे मिलते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। डेथ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड बाई, तो दोस्तों जो डेथ सेंटेंस होता है वो कौन अवॉर्ड कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या फिर चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों जो डेथ सेंटेंस होता है वो सेशन कोर्ट कर सकता है, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट से उसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जो दोस्तों डेथ सेंटेंस होता है, जो कैपिटल सेंटेंस होता है, कैन बी गिवन बाय सेशन कोर्ट बट इट मस्ट बी कन्फर्म बाई हाई कोर्ट। तो दोस्तों हाई कोर्ट से कन्फर्म करना रहेगा। इसके लिए दोस्तों डेथ सेंटेंस के दोस्तों एक खास बात बता दूँ, जो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको जो है उनके पास पावर होती है टू कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, उनके पास पावर होती है कि उस डेथ सेंटेंस को जो है माफ़ करके उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन या फिर रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट and has power of amnesty, that is can commute a death sentence। तो इसी को दोस्तों power of amnesty के नाम से जाना जाता है। next question पे आ रहे हैं दोस्तों, the power of amnesty for capital punishment is vested by, तो दोस्तों power of amnesty capital punishment में किसकी पास होती है, the president, supreme court, high court या फिर governor। तो दोस्तों president के पास power होती है, supreme court नहीं, high court नहीं, governor नहीं, ये हो गया इसका correct answer। तो दोस्तों बता दूं ये सारे जो है ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन है,
अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत आता है, अगर आपको आता है तो आप ऐप के अंदर में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। हु कैन कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, तो दोस्तों हु कैन कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा, पावर ऑफ एमनेस्टी प्रेसिडेंट के पास होती है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सपोनिया इज अ काइंड ऑफ, तो दोस्तों सपोनिया क्या होता है ये? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, सपोनिया जो है समन, समन को बोला जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये, तो डिकम्पोज बॉडी टिश्यू, डेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट, कोर्ट ट्रिब्यूनल या फिर इन डेलेबल इंक। तो दोस्तों सपोनिया जो होता है ये डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, कोर्ट के द्वारा किसी को बुलाना गवाही देने के लिए, विटनेस के लिए। तो सपोनिया इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डिकम्पोज बॉडी टिश्यू नहीं, डेजिग्नेशन नहीं, कोर्ट ट्रिब्यूनल नहीं, इंटरवल नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो समन क्या होता है दोस्तों, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट एंड द पेनल्टी फॉर पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस ऑन अ पर्टिकुलर डे टाइम एंड प्लेस। तो दोस्तों जो समन होता है एक रिटन ऑर्डर होता है विटनेस को बुलाने के लिए, चाहे वो पेनल्टी के केस में हो, चाहे वो एविडेंस के केस में हो, उस पर्टिकुलर डे टाइम एंड प्लेस पे। सेक्शन 61 से लेकर 69 CRPC के तहत ये समन डील किया जाता है। कंडक्ट मनी क्या होता है दोस्तों, इट इज़ फी ऑफर्ड और गिवन टू विटनेस टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ अटेंडिंग कोर्ट इन अ सिविल केस। ध्यान रहे दोस्तों, सिविल केस के अंदर ही उसके आने जाने का भाड़ा हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस दिया जाता है, उसी को दोस्तों बुलाते हैं कंडक्ट मनी। एंड इफ फी इज़ नॉट पेड, डॉक्टर कैन इग्नोर द समन। दोस्तों अगर मान लीजिए पैसा पे नहीं किया जाता है, तो दोस्तों समन को वो इग्नोर भी कर सकता है डॉक्टर। इफ़ ही फील्स अमाउंट इज लेस और नॉट पेड, ही कैन ब्रिंग द फैक्ट टू नोटिस टू जज। अगर दोस्तों उसको लगता है कि जो कंडक्ट मनी, जो उसको पैसा दिया जा रहा है वो सफिशियंट नहीं है, तो दोस्तों वो जज के नोटिस में भी ये फैक्ट डाल सकता है। इन क्रिमिनल कोर्ट नो फी इज पेड एंड विटनेस हैज़ टू बी अटेंड कोर्ट, अदरवाइज ही विल बी चार्ज विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो दोस्तों सिविल केस में तो कंडक्ट मनी मिलती है, लेकिन दोस्तों क्रिमिनल केस में जो है कोई कंडक्ट नहीं मिलती, और अगर पैसा ना मिलने की वजह से अगर वो नहीं आता तो दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस उसके लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हु कैन कंसिडर एज एन एक्सपर्ट विटनेस। तो दोस्तों इसमें से कौन एक्सपर्ट विटनेस की तरह कंसिडर किया जा सकता है, मेडिकल मैन, फायर आर्म एक्सपर्ट, केमिकल एग्जामिनर या फिर ऑल। तो दोस्तों एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे सारे के सारे जो है कंसिडर किए जा सकते हैं, तो मेडिकल मैन भी कंसिडर किया जा सकता है, फायर आर्म एक्सपर्ट भी किया जा सकता है, केमिकल एग्जामिनर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑल। तो विटनेस अ पर्सन हु गिव एविडेंसेस यानी कि टेस्टिमनी अंडर द ओथ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर टू टाइप, दो टाइप के विटनेस होते हैं दोस्तों, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस। तो कॉमन विटनेस क्या होता है, हु कैन एक्चुअली सॉ और हियर फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल। तो दोस्तों जिसने देखा है या सुना है वो होता है कॉमन विटनेस, बट ही कैन नॉट ड्रॉ एनी इंटरफेरेंस एक्सपर्ट एनी ओपिनियन एंड वॉलेंट्री आर स्टेटमेंट। तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ सुना और कहीं से कहा कहते सुना होगा या देखा होगा, तो दोस्तों इससे कोई भी ओपिनियन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट विटनेस की दोस्तों अगर हम बात करें, वन हु इज स्किल्ड और ट्रेंड इन अ साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इज कैपेबल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन और एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट ऑब्जर्व बाय हिम और अदर। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं वो किसी कंक्लूजन पे लेके आ सकते हैं अपनी ओपिनियन के थ्रू, या फिर जो उन्होंने खुद से ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई, तो वो अपनी रिपोर्ट के थ्रू किसी कंक्लूजन पे ला सकते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, फायर आर्म एक्सपर्ट, केमिकल एक्सपर्ट, बैलिस्टिक या फिर हैंड रिटन या फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या फिर मेडिकल पर्सन। तो दोस्तों ये सारे एग्जांपल इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, परजरी इज, तो दोस्तों परजरी क्या होता है, विलफुल अटरेंस ऑफ द फॉल्सहुड एन एक्ट कमिटेड विद इन कोर्ट प्रमिसेस, फेलियर टू साइन समन, फेलियर टू अपियर एज अ विटनेस। तो दोस्तों परजरी होता है जानबूझ के विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड, तो दोस्तों जानबूझ के गलत गवाही देना, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर।
बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ओथ के बारे में जानते हैं। ओथ क्या होता है? शपथ जो होती है, शपथ जो लेती है, इट इज़ अ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाई लॉ विच इज़ कंपल्सरी एंड होल्ड द विटनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एविडेंस गिवन। चाइल्ड 12 साल से जो छोटे जो बच्चे होते हैं, 12 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ओथ की जरूरत नहीं होती है। परजरी क्या होता है? इट इज़ विलफुल अटरेंस ऑफ अ स्टेटमेंट विच विटनेस नोज और बिलीव टू बी फॉल्स। तो जानबूझ के गलत गवाही देना, टू बी फॉल्स, अटरेंस विलफुल, जानबूझ के विलफुल अटरेंस ऑफ अ स्टेटमेंट। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है दोस्तों? इज सपोज टू हैव सम मोटिव और इंटरेस्ट फॉर कंसीलिंग पार्ट ऑफ ट्रूथ, छुपाना, किसी ट्रूथ को छुपाना, और गिविंग कंप्लीटली फॉल्स एविडेंस। तो फॉल्स एविडेंस अगर कोई देता है या किसी जो है सच को छुपाता है, तो दोस्तों सेक्शन 191 आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई हो जाएगी। डिक्लेयर ऑन सजेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन लॉयर कैन बी क्रॉस एग्जामिन। तो ये जो है क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओथ। तो दोस्तों इसमें से क्या चीज ट्रू है ओथ के कंपेयर में? नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी एंड बाइंड्स विटनेस फॉर एविडेंस गिवन, होल्ड्स विटनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एविडेंस, विटनेस इज लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन इफ ही डज नॉट टेक ओथ। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कंपल्सरी एंड बाइंड विटनेस फॉर एविडेंस गिवन, बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ पे विटनेस इज लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन इफ ही डज नॉट टेक ओथ। तो दोस्तों अगर वो ओथ नहीं लेता है तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो डाइंग डिपोजिशन इज रिकॉर्डेड बाई, तो दोस्तों डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो डाइंग डिपोजिशन डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या फिर लॉयर। तो दोस्तों जो डाइंग डिपोजिशन होता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं, लॉयर नहीं। दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन, ओथ क्या होता है? नॉट एडमिनिस्टर्ड बिकॉज ऑफ बिलीव दैट डाइंग पर्सन टेल द ट्रूथ। तो दोस्तों ओथ अगर कोई मरता हुआ इंसान होगा उसके अंदर जोर नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि जो मरता हुआ इंसान है वो सच ही उगलेगा। लेकिन डाइंग डिपोजिशन के अंदर ओथ लिया जाता है। मेड टू डाइंग डिपोजिशन किसको दिया जाता है? डॉक्टर, विलेज हेड, पुलिस, मजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन, किसी को भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। लेकिन डाइंग डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने ही दिया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ टू डिसइंटरेस्टेड विटनेस और डाइंग डिपोजिशन एक्यूज्ड और हिज लॉयर। क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। लीगल वैल्यू की दोस्तों अगर हम बात करें तो कैरीज लेस वेटेज, और लेकिन ये ज़्यादा वेट कैरी करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने लिया जा रहा है, प्लस यहाँ पे ओथ भी हो रही है, बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट एंड इन फ्रंट ऑफ एक्यूज्ड और हिज लॉयर एंड हैज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। लीगल वैल्यू इफ विक्टिम सर्वाइव क्या होगा? नॉट एडमिटेड बट हैज़ कॉलिब्रेट वैल्यू एंड द पर्सन इज गिवन इज कॉल्ड टू गिव एविडेंस। लेकिन यहाँ पे फुल्ली लीगल वैल्यू मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिवाइव बाई, तो दोस्तों जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर, लॉयर, पुलिस ऑफिसर या फिर सब। दोस्तों मेडिकल ऑफिसर भी ले सकता है, लॉयर भी ले सकता है, पुलिस ऑफिसर भी ले सकता है। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मेड टू डॉक्टर, विलेज मैन, विलेज हेडमैन, पुलिस, मजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल। तो आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। डाइंग डिपोजिशन इज मेड इम्पॉर्टेंट देन डाइंग डिक्लेरेशन बिकॉज इट इज़। तो दोस्तों जो डाइंग डिपोजिशन होता है वो डाइंग डिक्लेरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मेड टू मजिस्ट्रेट ओथ इज टेकन, मेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड क्रॉस एग्जामिनेशन इज परमिटेड। तो दोस्तों मेन जो इसके अंदर है मेड टू मजिस्ट्रेट, क्योंकि दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया है, इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा बाकी ऑप्शंस के कंपेयर
में बाकी ऑप्शंस के कंपेयर में ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर माना जाएगा, मे टू मजिस्ट्रेट। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो विच कैरीज मोर वेटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन, बोथ कैरी द सेम वेट, बोथ आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों जो डाइंग डिपोजिशन होता है वो ज़्यादा वेट को कैरी करता है, क्योंकि दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया होता है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, बोथ कैरी वेट नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं। तो दोस्तों जो डाइंग डिपोजिशन होता है ये जो है ज़्यादा वेट कैरी करता है। तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों ये मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन, तो एक बार ये छोटा सा रिवाइज मैं कर देता हूँ एक पेज पे, कि जो सेक्शन 174 CRPC है ये बोलता है दोस्तों पुलिस इंक्वेस्ट, सेक्शन 176 CRPC जो होती है दोस्तों ये होती दोस्तों मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई है, फायरिंग में डेथ हो गई या इंटरवेंशन में डेथ हो गई है, तो पुलिस फायरिंग, पुलिस कस्टडी या फिर पुलिस इंटरोगेशन में अगर डेथ हो गई है तो जुडिशियल करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, या मेंटल असाइलम के अंदर अगर किसी की डेथ हो गई है, या डॉवरी डेथ अगर 7 साल से कम टाइम में अगर डेथ हुई तो, या एग्जुमेशन यानी कि डेड बॉडी को बाहर निकालना, डिगिंग आउट ऑफ डेड बॉडी। यहां पर लेता हूं डिगिंग आउट ऑफ डिगिंग आउट ऑफ डेड बॉडी। तो दोस्तों ये कौन कौन कर सकते हैं, ये SDM भी कर सकते हैं, ये जो है ADM भी कर सकते हैं, ये DM भी कर सकते हैं एग्जीमेशन। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और बता दूँ, जो कोरोनर इंक्वेस्ट था ये तो अब नहीं होता है, लेकिन एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन बॉम्बे में कब किया गया था, बॉम्बे में एबॉलिश किया गया था 1999 के अंदर, और कोलकाता के अंदर लिए एबॉलिश किया गया था दोस्तों 1978 में एबॉलिश किया गया था, यानी कि इसको हटा दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। तो दोस्तों बड़ी सोच रखिए, अपने अंदर भरोसा रखिए, और जो है वो चीज़ हो जाएगी। थिंक बिग। तो दोस्तों आप जो एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप इसके अंदर सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डिजिट रैंक के अंदर अपने अंदर सोचिए, उस हिसाब से मेहनत करिए, अपने अंदर भरोसा रखिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक NEET PG। दोस्तों हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आना जरूरी होता है, बिलीव लेके आता है आपके अंदर कि हाँ आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है NEET PG, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्लाइड्स भी रखते हैं उसके अंदर, ताकि आपको किसी भी चीज़ की डाउट ना आए, दिक्कत ना आए। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों भूलेगा नहीं, मैं जो कोड है वो है LIVADRM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों जनरली 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVADRM तो ये आपको 30,000 का नहीं पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस की बात करूं तो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 22,500,
लेकिन दोस्तों इसी में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दो तो ये होते हैं 4,500, तो इसको अगर हम ऐड करते तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़, विच इज़ इक्वलेंट टू 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करने से आपको 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो दोस्तों बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलता है, प्लस आप जो है एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं एजुकेटर के सामने, आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है, आप जब चाहे तब यहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों। एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ मैं, अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, कल एक नई रिकॉर्डिंग के साथ आऊँगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।